गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। आज आपका टॉपिक है विज्ञापन। इससे पहले मैंने आपको दो टॉपिक करा दिए हैं। पहला टॉपिक था देशी व्यापार और दूसरा टॉपिक था बीजक। आपका ये छोटा सा टॉपिक है विज्ञापन, इसमें दो या तीन क्लास लगेंगी। तो आज का जो टॉपिक है विज्ञापन, विज्ञापन का शाब्दिक अर्थ है किसी बात को विज्ञप्त करना या उसकी सार्वजनिक सूचना देना। आजकल विज्ञापन का कार्य सिर्फ सूचना देना ही नहीं रह गया है, विक्रय वृद्धि का सशक्त साधन भी बन गया है। आपने देखा होगा किसी वस्तु की जो नई वस्तु आई है उसको मार्केट में फैलाने के लिए विज्ञापन एक बहुत बड़ा माध्यम है। विज्ञापन के द्वारा ही किसी वस्तु की विक्रय में वृद्धि की जाती है। विज्ञापन टीवी के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा या समाचार पत्र के द्वारा किसी भी माध्यम से दिया जा सकता है। तो किसी भी वस्तु की मार्केट बनाने के लिए विज्ञापन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो विज्ञापन का जो अर्थ है किसी वस्तु को उसकी सार्वजनिक सूचना, समाज को सूचना देना ही विज्ञापन कहलाता है। तो एक बार इसको जो लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं। विज्ञापन का शाब्दिक अर्थ है किसी बात को विज्ञप्त करना या उसकी सार्वजनिक सूचना देना। आजकल विज्ञापन का कार्य सिर्फ सूचना देना ही नहीं रह गया है, विक्रय वृद्धि का सशक्त साधन भी बन गया है। आपने देखा होगा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चारों तरफ हमें विज्ञापन ही विज्ञापन दिखाई देते हैं और सुनते हैं। 24 घंटे किसी न किसी चीज़ का विज्ञापन होता ही रहता है। तो विज्ञापन के अंतर्गत उन समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनसे वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता से जनता को अवगत कराया जा सकता है। कोई वस्तु या किसी के प्रति सेवा देनी है, उसका जो जनता को अवगत कराना है वो विज्ञापन के माध्यम से कराया जा सकता है। तो विज्ञापन के उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य है विज्ञापन का नवनिर्मित वस्तु की जानकारी देना। मार्केट में कोई नई वस्तु आई है तो सब लोगों को उसका पता नहीं होता है, तो उसके लिए एक विज्ञापन बहुत बड़ा माध्यम है। समाचार पत्र, टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो के द्वारा विज्ञापन कर नई वस्तु की जानकारी दी जाती है। तो विज्ञापन का सबसे बड़ा उद्देश्य है नई वस्तु की जानकारी देना। विज्ञापन का दूसरा उद्देश्य है मांग पैदा करना। किसी वस्तु के प्रति मांग पैदा करना भी विज्ञापन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। किसी वस्तु की मांग पैदा करने में विज्ञापन बहुत मदद करता है। उसके प्रति जानकारी देना कि वस्तु की क्वालिटी किस प्रकार है या वस्तु किस किस्म की है, उसके बारे में सभी जानकारी विज्ञापन के द्वारा दी जा सकती है, जिससे ग्राहक के सामने उस वस्तु के प्रति आकर्षित हो और उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो। यह सब विज्ञापन के द्वारा ही किया जा सकता है। मांग में वृद्धि करना, विज्ञापन का उद्देश्य मांग पैदा ही नहीं करना, पुरानी वस्तुओं की मांग में वृद्धि भी करना है। कभी कभी क्या होता है किसी वस्तु की मार्केट बहुत डाउन हो जाती है क्योंकि लोगों को उस वस्तु के बारे में पता नहीं होता है, तो उसकी वस्तु की मांग में वृद्धि करने के लिए भी विज्ञापन किया जाता है। मांग में वृद्धि करना विज्ञापन के द्वारा ही किया जा सकता है। समय समय पर भी ग्राहकों को स्मरण कराते रहने के लिए भी विज्ञापन जरूरी है। इससे पुराने ग्राहक को दृढ़ होते हैं, वे साथ साथ नए ग्राहक भी बन जाते हैं। विज्ञापन का तीसरा उद्देश्य है वस्तु का दूर दूर प्रचार। विज्ञापन एक सार्वजनिक प्रसारण है। इसके माध्यम से दूर दूर तक के स्थानों के लोगों को वस्तु की जानकारी दी जा सकती है। अगर विज्ञापन अगर टेलीविज़न पर दिया जाएगा, आपको पता ही है सभी लोग देखते हैं टीवी, तो इसके माध्यम से वो वस्तु की जानकारी देश विदेश तक भी पहुंच जाती है।
एक राज्य से दूसरे राज्य में उसकी जानकारी पहुंच जाती है, यह भी एक विज्ञापन के द्वारा ही किया जा सकता है, एक विज्ञापन का उद्देश्य है। विज्ञापन का पांचवा उद्देश्य है ख्याति में वृद्धि, यानी गुडविल में वृद्धि। विज्ञापन का उद्देश्य फर्म की ख्याति में वृद्धि करना भी है। औद्योगिक संस्था की ख्याति बन जाने पर ग्राहक उसकी प्रत्येक वस्तु को चाव से खरीदते हैं। आज बच्चा बच्चा बाटा के जूते, फिलिप्स के रेडियो आदि के बारे में जानता है, यह सब विज्ञापन के द्वारा ही हुआ है। किसी वस्तु की गुडविल बनाने के लिए एक विज्ञापन बहुत बड़ा माध्यम है, जिससे वस्तु के प्रति लोग आकर्षित होते हैं और उसका नाम एक गुडविल के तौर पर लिया जाता है। जैसे आपने सुना है गोदरेज, गोदरेज की अलमारी आज के टाइम में बच्चा बच्चा जानता है। और जैसे ही एक एग्जांपल है बाटा के जूते, आपने देखा होगा घर वाले लोग बोलते हैं बाटा के जूते, यानी बाटा की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, वो लोगों तक जो पहुंची है वो एक विज्ञापन के माध्यम से पहुंची है, तो इसका ये भी एक उद्देश्य है। व्यापारिक संबंधों में प्रगति, विज्ञापन के द्वारा नए नए व्यापारियों को निर्माता की वस्तु को अपनी दुकान पर रखने एवं बेचने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, यह विज्ञापन के द्वारा ही किया जा सकता है। इससे निर्माता और थोक व्यापारियों और फुटकर व्यापारियों का निरंतर संपर्क बना रहता है और फिर धीरे धीरे यह संबंध स्थायी हो जाता है।